हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि डेली जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, 70 से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें खानी चाहिए। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी होता है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर एक केमिकल होता है जो विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब करता है। एक तरह की प्रोटीन होती है जो विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब करती है, और विटामिन डी हमें सीधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त को जमाने में विटामिन के सहायक होता है, यानी विटामिन के रक्त को जमा देता है, जिससे चोट लगने पर रक्त बहता नहीं है। आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग हो जाता है। इसको गायट्र भी बोलते हैं, इस बीमारी को गायट्र भी बोलते हैं, जो आयोडीन की कमी से होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और अगर आयोडीन न मिले तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, और ऐसी परिस्थिति में हमें बीमारी हो जाती है, गेंगा या गायट्र बीमारी हो जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जल का फॉर्मूला क्या है, तो जल का फॉर्मूला होगा H2O, यानी हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होती है, तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हरी जो पत्तेदार सब्जी होती है उनमें मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, यानी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर। हमारे शरीर के रक्त में जल कितने प्रतिशत होता है, तो जल की प्रतिशत मात्रा होती है 90%, क्योंकि लिक्विड रूप में होता है रक्त और उसमें पानी की मात्रा लगभग 90% होती है। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, तो इसको ध्यान रखना है आपको। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है, तो संपूर्ण भोजन कहा जाता है दूध को, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी सभी पौष्टिक तत्व दूध के अंदर उपस्थित होने का कारण दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार के आवश्यक अवयव, यानी संतुलित आहार के आवश्यक अवयव कौन कौन से है, तो प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन, खनिज लवण भी है, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, और पानी भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से मलेरिया नहीं होता है क्योंकि ये मादा एनोफिलीज से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, क्वार्सी और इसे प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्वार्सी और कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, कई बार पूछा जाता है सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को बोलते हैं, और बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता भी इसी विटामिन की कमी के कारण होती है, इसको विटामिन ई कहेंगे। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, चर्बी बोलते हैं वसा को, यानी दूध में वसा की कितनी मात्रा होती है, वसा की होती है 3.6%, यानी 3.6% वसा होता है दूध के अंदर। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन आया था, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, और बेरी बेरी विटामिन बी के कारण, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, डी रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी के कारण, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर में खनिज की मात्रा कितनी होती है, यानी जो हमारा शरीर होता है उसमें खनिज लवण जो होते हैं उनको कितनी प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो 4% मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन बी और सी खनिज लवण को संभाल के रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, मैंने आपको बताया था दो तरह की विटामिन होती है, एक पानी में घुलनशील और दूसरी अघुलनशील, तो पानी में घुलनशील होती है विटामिन बी और सी, तो इसमें देखेंगे हम सी एक दे रखा है और बी नहीं दे रखा है, तो विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील होती है, यानी तेल जैसी चीजों में घुलनशील होती है, जबकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होती है। निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है, इनमें से कौन सा खनिज लवण नहीं है, प्रोटीन, लोहा, पोटेशियम, आयोडीन, तो देखते हैं पोटेशियम भी एक केमिकल होता है, लोहा भी केमिकल है यानी खनिज है, और आयोडीन भी खनिज है, प्रोटीन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन ए।
हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो लगभग 60 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। आपकी बुक में 60% दे रखा है, तो 60% आंसर होगा इसका। जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग कौन सा होगा? जो जल से होने वाली बीमारी कौन सी होगी? तो प्लेग है, प्लेग चूहों से होता है, कैंसर है, एड्स है, पेचिस है। तो इसका सही आंसर होगा पेचिस, और जो कि एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेचिस जो है वो पानी से दूषित जल के सेवन करने के कारण ये बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर होगा पेचिस। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो वनस्पति जन्य प्रोटीन और एक पशु जन्य प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। और घुलनशील नहीं है तो कौन कौन से नहीं होते? बी और सी। तो इसमें आपका सी का कहाँ ऑप्शन बी है, बी में है विटामिन सी। तो ये पानी में, ओ सॉरी, वसा में घुलनशील नहीं होता, ये पानी में घुलता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कौन सी विधि से भोजन के कम पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाप के द्वारा। ये माप लिख रखा है, ये मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा भाप के द्वारा। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी चीज मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। मछली से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, मछली में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन बी। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व बनता है? यानी हीमोग्लोबिन कौन से तत्व से बनता है, किस खनिज से बनता है? तो कैल्शियम से तो हड्डियां मजबूत होती हैं, लोहा से हीमोग्लोबिन बनता है, आयोडीन गेंगा रोग के लिए उपयोगी है, और सोडियम ये भी हमारी मांसपेशियों के लिए उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। हड्डियों व दांतों की मजबूती के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए दो तत्व आते हैं, एक तो कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। इस ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, फास्फोरस। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन सी की कमी के कारण मैंने कई बार बताया आपको कौन सा होगा, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी। तो सही आंसर होगा इसका डी, स्कर्वी। किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? तो आयोडीन एक ऐसा खनिज है जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल यानी कि नियंत्रित रहता है। कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों की लचकता लाने में सहायक होता है? तो वो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से हड्डियों और मांसपेशियों में लचकता आती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है किसके लिए? पोषण, क्योंकि शरीर का पोषण और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन, और शरीर को बीमारियों से भी बचाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध रूप है? सबसे जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा? वर्षा जल होगा, क्योंकि वर्षा जल का पीएच मान अगर 7 है तो वो शुद्ध जल होगा लगभग। उसके अंदर धीरे धीरे केमिकल वगैरह जैसे वायु के अंदर कुछ गैसें मिल जाती है जिसके कारण अम्लीय और थोड़ा वो हो जाता है, तो वो खराब हो जाता है। नहीं, सबसे शुद्ध जल वर्षा जल ही होता है। हमारे शरीर में कार्बोज का क्या कार्य है? कार्बोज बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, प्रोटीन व वसा की बचत करना। तो सबसे जो मेन काम होता है वो ऊर्जा प्रदान करना है, लेकिन सभी कार्य पूछे हैं तो उपरोक्त सभी कार्य इसके होते हैं। तो सही आंसर होगा डी। शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व है, यानी शरीर के अंदर नई सेल बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के अंदर नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम ऊर्जा देना होता है शरीर को। हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य क्या होता है? खनिज लवण क्या होते हैं? दांत व हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, रक्त में अम्ल सार का संतुलन भी बनाते हैं, रक्त कणों के निर्माण में भी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो शरीर में एक बीमारी हो जाएगी जिसको खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। प्रोटीन कौन सा यौगिक है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो कौन सा यौगिक हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। अकार्बनिक जिसको उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, रासायनिक सभी को बोलते हैं,
और जैविक जो जीवों के द्वारा मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बनिक। कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व कहलाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोज भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका बी, कार्बोज। हमारे शरीर में विटामिन ए के निम्नलिखित कार्य करता है, विटामिन ए आंखों की ज्योति में भी वृद्धि करता है, यह मुलायम ऊतकों को वृद्धि में भी सहायक होता है, अस्थि पिंजर हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में विटामिन डी का निम्नलिखित कार्य, ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने में सहायक है, यह बच्चों के शारीरिक विकास में भी सहायक होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आज आपको यही क्वेश्चन देखने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।